शिक्षा विभाग द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है 2050 की कार्यवाही के संबंध में। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। विषय अंतर्गत संदर्भित आदेश में 50 वर्ष की आयु एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा किए जाने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवकों के लिए मूलभूत नियम 56 एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1976 के नियम 42 के अधीन छानबीन करते समय अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के लिए निम्न अनुसार देखा जाए: ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा, संदेहजन होना। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक का संपूर्ण अभिलेख देखा जाकर अनुशंसा की जाए। शारीरिक क्षमता में कमी, व्याख्याति एवं कार्य क्षमता का मूल्यांकन संबंधित शासकीय सेवक के सेवा काल के संपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया जाए। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक प्रतिकूल अथवा ऐसा अभियुक्त जिसकी प्रतिकूल की संज्ञा दी जाती है शासकीय सेवा को संसूचित की गई हो। संपूर्ण सेवा काल के अभिलेखों का समग्र मूल्यांकन अच्छा खास श्रेणी से कम होना। इसके साथ ही यह भी देखा जाए कि शासकीय सेवक की कार्य दक्षता में गिरावट तो नहीं आ रही है, विशेषकर पिछले 5 वर्षों में कार्य का स्तर घट तो नहीं रहा है। अतः संलग्न निर्धारित प्रारूप में उक्त दोनों स्थिति में निर्धारित शर्तों के अधीन आने वाले लोक सेवकों के प्रस्ताव एक्सेल एवं हार्ड कॉपी में मैं आवश्यक दस्तावेजों सहित 1 नस्ती दिनांक 12 जुलाई 2024 को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। तदनुसार प्रपत्र में दोनों अवधियों की अलग अलग निरंक तैयार कर प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध कराएं। यह निर्देश संदर्भित कार्यालय में 8/7/2024 तक जारी किए जाएंगे। उपयुक्त निर्देश अनुसार जानकारी 9/8/2024 को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु आपके द्वारा आज पर्यंत तक यह कार्य नहीं किया गया। अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि तत्काल स्थापना 3 में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। तो यह कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है जिनकी 50 वर्ष की आयु एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गई है, उनके अभिलेखों की छानबीन की जा रही है। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।